हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजीत सिंह और इस समय हम लोग स्टील स्ट्रक्चर में स्टार्ट किए स्टील बीम चैप्टर। और स्टील बीम में इससे पहले भी मैंने कई प्रीवियस लेक्चर बना दिया हुआ हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर में जो भी यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से आ जाए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, अ सिंपल सपोर्टेड बीम हैविंग इफेक्टिव स्पान 5 मीटर। एक सिंपल सपोर्टेड बीम है जिसका इफेक्टिव लेंथ 5 मीटर दिया गया है। जो वैल्यू दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है इफेक्टिव स्पान, यानी स्मॉल एल कह सकते हैं, 5 मीटर दिया गया है। इसको मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5000 मिलीमीटर। एंड कैरिंग सुपर इम्पोज्ड लोड 100 kN/m। यहाँ पर आपको जो सुपर इम्पोज्ड लोड दिया गया है वो 100 kN/m दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको W1 कह सकते हैं या W2 कह सकते हैं आप इसे। W1 दिया गया है कितना, 100 kN/m। देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को आप न्यूटन और मिलीमीटर में ही लेकर सॉल्व किया कीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको देखिए, जब आप न्यूटन पर मिलीमीटर में चेंज करेंगे ना, तो 1 किलो को हटाएंगे तो 10^3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 मीटर को हटाएंगे तो 10^3 का डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 100 N/mm बचेगा। इफ सेलेक्टेड बीम इज ISMB 500, यहाँ पर जो बीम का दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, ISMB 500 दिया गया है। चेक द बीम इज सेफ इन बेंडिंग एंड सीयर। आपको ये बताना है कि यदि ISMB 500 बीम यूज किया जाए जिसका लेंथ 5 मीटर हो और उस पर जो लोड लगा है सुपर इम्पोज्ड लोड 100 kN/m, तो क्या ये बीम आपका बेंडिंग और सीयर में सेफ होगा कि नहीं, क्या ये बीम आपका बेंडिंग में फेल हो जाएगा या क्या सीयर में फेल हो जाएगा या सेफ होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, कोई भी स्टील का बीम है जिसका लेंथ 5 मीटर है और उस पर 100 kN/m का अध्यारोपित भार, यानी आपको सुपर इम्पोज्ड लोड अलग से लाइव लोड लगा हुआ है, और यदि बीम का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, ISMB 500 का यूज किया गया है, तो क्या इस ISMB 500 का जो साइज का बीम यूज किया गया है, क्या ये 100 kN/m के लोड को बियर कर सकता है कि नहीं, तो हमें ये बताना है कि क्या ये बेंडिंग और सीयर में सेफ है कि नहीं, दोनों में बताना है हमें। तो हम एक बार बेंडिंग में चेक करेंगे और एक बार सीयर में चेक करेंगे, ठीक है, हो सकता है दोनों में सेफ हो सकता है दोनों में अनसेफ हो सकता है किसी एक में सेफ हो किसी एक में अनसेफ हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप ISMB 500 जो दिया गया है ना, इसके लिए आप स्टील टेबल से कुछ वैल्यू की हमें आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम लिख लेंगे। अगर आपको पहले से नहीं मालूम है कि हमें कौन कौन सी वैल्यू की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, लास्ट में हम फॉर्मूले यूज करेंगे, जब उस समय जिस भी वैल्यू की आवश्यकता होगी हम वो स्टील टेबल से देख के लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चेक इन बेंडिंग, ठीक है। तो यहां पर हमें निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हमें चाहिए बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट पहले हम निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट को हम बोलते हैं M=WL²/8। यही फॉर्मूला होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। देखिए, अगर बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट। W क्या है, टोटल लोड है, लेकिन यहाँ पर ये सुपर इम्पोज्ड लोड दिया गया है, तो हम क्वेश्चन में ये भी ध्यान दे देंगे कि ये टोटल लोड दिया गया है या सुपर इम्पोज्ड लोड। वैसे क्वेश्चन जितने भी आपको इस चैप्टर में मिलेगा ना,
वो सब सुपर इम्पोज लोड ही दिया जाएगा। टोटल लोड हमें अपने से निकालना होता है। कैसे निकालेंगे? सेल्फ वेट ऑफ बीम पहले हम निकाल लेंगे फ्रॉम स्टील टेबल से। क्या करेंगे? सेल्फ वेट ऑफ बीम निकालेंगे W2। कितना दिया गया है देखिए, स्टील टेबल में मैं देख के बताता हूं आपको, 83.9 किलोग्राम पर मीटर दिया गया है, 83.9 किलोग्राम पर मीटर। तो इसको न्यूटन पर मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा W2। 83.9 एक किलोग्राम को चेंज करोगे न्यूटन में तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये न्यूटन में हो जाएगा। नीचे जो आपका मीटर है इसको mm में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नीचे करना होगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका, ये एक जीरो कैंसिल होगा और ये दो जीरो पे यहाँ पे लग जाएगा, 0.839 न्यूटन पर मिली मीटर। पास वन में आई तो W1 प्लस W2 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल लोड। तो टोटल लोड निकाल लेते हैं, चलिए टोटल लोड W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 कितना है आपका 100 प्लस W2 0.839 इज इक्वल टू 100.839 न्यूटन पर मिली मीटर। तो ये आपको मालूम हो गया टोटल लोड। अब ये टोटल लोड का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे आप तो 100.839 इंटू 5000 का स्क्वायर बाई 8। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा आपका 100.839 इंटू 10 टू द पावर इंटू 5000 का स्क्वायर बाई 8। तो ये आपका वैल्यू आ गया 315.12 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर। ये मोमेंट हो गया। अब हम निकाल लेंगे क्या बेंडिंग स्ट्रेस, और बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। ये था बेंडिंग मोमेंट आपका, बेंडिंग स्ट्रेस इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस, एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस यानी एक्चुअल इस बीम में बेंडिंग स्ट्रेस कितना है, इसको एफ बी एक्चुअल से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है एम अपान जेड एक्स एक्स। अब फॉर्मूला याद करेंगे क्या होता है, एफ बी एक्चुअल यानी एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एम अपान जेड एक्स एक्स होता है ये, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बी एक्चुअल का वैल्यू एम एम का वैल्यू आपको मालूम है 315.12 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई जेड एक्स एक्स। जेड एक्स एक्स का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे जानते हैं आप, हमेशा स्टील टेबल से लेंगे। तो फ्रॉम स्टील टेबल से पहला वैल्यू आपने ये ले लिया, दूसरा वैल्यू क्या ले लेंगे जेड एक्स एक्स। कितना है स्टील टेबल में देखते हैं, स्टील टेबल में जेड एक्स एक्स का वैल्यू दिया गया है 1808.7 ये सेंटीमीटर की पावर क्यूब में दिया गया है, तो हम इसको मिलीमीटर की पावर 3 में चेंज कर लेंगे, 1808.7 इंटू 10 की पावर 3 मिलीमीटर की पावर 3। यहाँ पर जेड एक्स एक्स का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1808.7 इंटू 10 की पावर 3 और इससे डिवाइड करेंगे, देखो क्या आता है वैल्यू 1808.7 इंटू 10 टू द पावर 3 यह आ गया आपका 174.22 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपका जो एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस है वो आ गया 174.22, लेकिन यहाँ पर हमारा जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है वो कितना है देखिए, एफ बी यानी बेंडिंग स्ट्रेस परमिसिबल। आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, अब वैल्यू याद कर लीजिए। यहाँ पर हम लेके चलते हैं एफ 250 के लिए, मान लीजिए कितना होता है
165 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यानी इस बीम का जो मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है वो 165 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, और इस पे जो एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है वो कितना है, 174 आ रहा है, तो ज़्यादा है। यानी इसके पास स्ट्रेंथ 165 का है लेकिन आ कितना रहा उसके ऊपर, 174 का। इसका मतलब क्या है कि बीम आपका बेंडिंग स्ट्रेस में सेफ नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी उसकी कैपेसिटी है, जो बियर करने की कैपेसिटी है वो 165 है, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, लेकिन उस पर कितना लगा हुआ है, 174, ज़्यादा आ रहा है उसके ऊपर, तो फेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एफ बी परमिसिबल इज लेस देन एफ बी एक्चुअल। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज लेस देन एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस। इसका मतलब क्या है कि बीम इज अनसेफ इन बेंडिंग। आपका बेंडिंग में सेफ नहीं है, बेंडिंग में ये फेल हो जाएगा। बात समझ में आई? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक इन बेंडिंग हो गया, तो चेक इन शियर, चेक इन शियर। अब हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे, और शियर स्ट्रेस जब निकालेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए शियर फोर्स। जैसे बेंडिंग स्ट्रेस मैंने निकाला यहाँ पे, तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए निकालना पड़ा हमें बेंडिंग मूवमेंट, वैसे शियर स्ट्रेस के लिए हमें चाहिए क्या, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यूज करेंगे, देखिए शियर फोर्स वी इज इक्वल टू WL/2। सिंपली सपोर्टेड बीम और UDL के लिए फॉर्मूला होता है, W का वैल्यू है 100.839 इंटू L का वैल्यू है 5000/2। तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 100.839 इंटू 5000/2। तो आपका ये आ गया 252097.5 न्यूटन। अब हम निकालेंगे शियर स्ट्रेस, उसे एक्चुअल शियर स्ट्रेस बोलेंगे। यानी कि स्ट्रेस को हम वी से डिनोट करते हैं, वी एक्चुअल, या टाउ से स्ट्रेस डिनोट करते हैं, टाउ एक्चुअल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, शियर फोर्स अपान में शियर एरिया, शियर फोर्स अपान में शियर एरिया। शियर फोर्स को वी से डिनोट करते हैं, और शियर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डी इंटू टी डब्ल्यू, यानी डेप्थ ऑफ बीम इंटू थिकनेस ऑफ वेव, ये होता है शियर एरिया। तो वी का वैल्यू आपको पता है, अभी आपने निकाल लिया 252097.5 अपान में कैपिटल डी और टी डब्ल्यू। कैपिटल डी क्या होता है, जो ISMB के बाद 500 लिखा हुआ है ना, ये टोटल डेप्थ ऑफ बीम होता है। फिर भी अगर आप स्टील टेबल से वैल्यू लेते हैं ना, तो कैपिटल डी का वैल्यू कितना है, 500, और टी डब्ल्यू का वैल्यू भी हम कहाँ से ले लेंगे, स्टील टेबल से ही ले लेंगे ये, ठीक है, स्टील टेबल से दोनों वैल्यू हम ले लेंगे। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम काम करते हैं इसको ऊपर लिख लेते हैं, सी हो जाएगा, ये डी पॉइंट हो जाएगा, बी नंबर पे क्या है टी डब्ल्यू, और ए नंबर पे क्या है डी इज इक्वल टू 500, और टी डब्ल्यू का वैल्यू थिकनेस ऑफ वेव कितना है स्टील टेबल से आप देख लेंगे, 10.2 mm है, 10.2 mm, ये भी mm, ठीक है। तो ISMB 500, यहां लिखिए फ्रॉम स्टील टेबल, यानी स्टील टेबल से हमें ये चार वैल्यू की आवश्यकता पड़ी, ए बी सी और डी, ये चार पॉइंट मैंने डाल दिया है आपको, आपके लिए इसमें। तो डी का वैल्यू कितना है 500, और थिकनेस ऑफ वेव कितना है आपका 10.2। यह क्या 49.43। अब जो आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है वो कितना होता है,
परमिसिबल सियर स्ट्रेस जो आपका होता है, जैसे यहाँ पे परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस मैंने लिख दिया था, पूरा नाम अगर चाहूँ तो लिख दूँ, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, वैसे ही परमिसिबल सियर स्ट्रेस कितना होता है, टाउ परमिसिबल 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि बीम में जो सियर स्ट्रेस कैपेसिटी है परमिसिबल जो मैक्सिमम है वो 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का वो बियर कर सकती है, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है 49.43, बहुत ही कम उसके ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो सेफ है आपका, बात समझ में आई कि नहीं। परमिसिबल का मतलब होता है कि 100 से अंदर ही होना चाहिए और 100 के अंदर ही है ये, तो मैं लिखूंगा यहां पे कि टाउ परमिसिबल इज ग्रेटर देन टाउ एक्चुअल, ठीक है, यानी 100 क्या है आपका 49.43 से ज्यादा है तो बीम इज सेफ इन सियर, ठीक है। और यहां पे क्या था कि आपका ये 165 जो था इससे कम हो गया था, इस वजह से ये सेफ नहीं था। देखिए 165 इज लेस देन 174.22, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको, इसी प्रकार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए अभी लाऊंगा। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख लेंगे, अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आता है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे जो चीज़ आपको समझ में आती है ये नॉलेज आपको अगर आ रही है तो वो चीज़ें आप और लोगों को भी आना चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे, जिससे उन्हें भी काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए।